हेलो एवरीवन, वेलकम टू मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। यह लेक्चर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के ऊपर होगा। उमरिया जिले से जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है वो आपको दी जाएगी। और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके की जो सीरीज चल रही है उसमें आज का लेक्चर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के ऊपर होगा। तो आइए उमरिया के बारे में जानते हैं। उमरिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उमरिया जिले में आता है, ये उमरिया में है। और यहाँ जो राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बाघों का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। याद रखिए, बाघों का सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान पूछा तो बांधवगढ़ है, और सर्वाधिक बाघ वाला राष्ट्रीय उद्यान पूछा तो वो कान्हा किस लिए। और यहाँ पे जो बाघों का सर्वाधिक घनत्व है वो 8 से 11 बाघ प्रति किलोमीटर स्क्वायर, ये इतने बाघ एक किलोमीटर स्क्वायर में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन याद रखिए, ऑप्शन जैसा रहा उसी हिसाब से क्वेश्चन आता है। जैसे अगर पूछा जाता है कि सफ़ेद शेर किस पठार में पाए जाते हैं, तो रीवा पन्ना का पठार, और रीवा पन्ना का पठार ऑप्शन में ना दें और बघेलखंड का पठार ऑप्शन में दे तो उसका आंसर हो जाता है बघेलखंड का पठार। और उमरिया जो है बघेलखंड के पठार में आता है। तो क्वेश्चन जो है ऑप्शन के मुताबिक रहता है उसका जो आंसर है वो। तो यहाँ पर जो है सफ़ेद शेर पाए जाते हैं और ये राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में, तो उमरिया। और आजकल जो थोड़ा सा डीपली मध्य प्रदेश पूछा जा रहा है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना परीक्षा में पूछी जाती है 1968, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको सामने के जो तीन राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना याद रखना जरूरी है। जैसे कान्हा नेशनल पार्क की जो स्थापना है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, स्पेशल फॉर वो मंडला जिले में आता है, और उसका जो कुछ हिस्सा बालाघाट जिले में आता है, लेकिन जब भी आया तो आप मंडला लगाइए। कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना 1955 में की गई थी, ये सन पेपर में पूछा जा रहा है। माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है करके क्वेश्चन आएगा आपको। माधव नेशनल पार्क है शिवपुरी में, ये बहुत आसान है याद रखने का तरीका। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में, माधव नाम था भगवान का, यानी भगवान कृष्ण का नाम था माधव, और कृष्ण भगवान का जो नाम था वो माधव था, यानी कृष्ण भगवान का जो पर्यायवाची है वो माधव था। और कृष्ण भगवान, शंकर भगवान सब एक ही भगवान है, तो भगवान से आप याद रख सकते हो शिवपुरी, शिव से शंकर भगवान। तो माधव नेशनल पार्क कहाँ पर है, शिवपुरी में, जिसकी स्थापना परीक्षा में आती है 1958, और ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968। तो ये तीनों की आपको याद रखना जरूरी है, ये तीनों परीक्षा में पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो व्यापम जब भी पूछा है तो 9 आंसर दिया है, काहे कि 2 प्रस्तावित हैं, इसलिए उसने अभी तक के 9 ही आंसर दिया है। तो आप जो है अभी तो 9 ही लगा रहा है, जब भी पूछा जा रहा है व्यापम में तो 9 ही आंसर दे रहा है वो। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है 11, 2 प्रस्तावित है, अभी वर्तमान में जो पूर्ण बने हुए हैं वो है 9। आगे देखते हैं, यहाँ से उमरिया में ये बांधवगढ़ का किला, ये भी इंपॉर्टेंट है, बांधवगढ़ का किला उमरिया। और इस किले का निर्माण बघेल शासक राजा विक्रमादित्य ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है, तो उमरिया, और इसका जो निर्माण है वो राजा विक्रमादित्य ने करवाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इस किले के अंदर शेष शाही तालाब और विष्णु मंदिर है, तो ये थोड़े से डीपली पूछ रहा है व्यापम, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। शेष शाही तालाब और विष्णु मंदिर कहाँ पर है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। आगे देखते हैं, और संजय ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, उमरिया में। और इसी का एक और नाम मिलता है, वीर सिंहपुर ताप विद्युत केंद्र उमरिया, ये MPPSC में पूछा गया था एक बार, वीर सिंहपुर ताप विद्युत केंद्र किस जिले में है, तो उमरिया में। आगे देखते हैं, उमरिया में लाख उद्योग है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाख का सर्वाधिक उत्पादन उमरिया जिले में होता है, और यहाँ पर लाख का शासकीय
कारखाना उमरिया में, यानी कि लाख बनाने का शासकीय कारखाना उमरिया में है, और यहाँ पर लाख से चिपड़ी बनाई जाती है, ये इम्पोर्टेंट है। लाख से चिपड़ी बनाने का शासकीय कारखाना पूछा जा सकता है तो उमरिया में है, ये इम्पोर्टेंट है, और ये बात याद रखिए लाख का सर्वाधिक उत्पादन उमरिया में होता है। जोहिला कोयला क्षेत्र, जोहिला कोयला क्षेत्र उमरिया ज़िले में है और जोहिला नदी के किनारे है, और जोहिला नदी जो है ये सोन की सहायक नदी है, ये याद रखिए। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ से, ये पनपाठा नामक कोयला क्षेत्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि पनपाठा कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, पनपाठा नामक कोयला क्षेत्र उमरिया ज़िले में है, और ये पनपाठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पनपाठा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस ज़िले में है, तो उमरिया ज़िले में। और यहाँ पे कुछ मंदिर देख लेते हैं, मंदिर एक मंदिर देखते हैं विश्वनाथ मंदिर, ये बांधवगढ़ के तरफ मिलेगा आपको उमरिया में, लेकिन ये अभी तक परीक्षा में पूछा नहीं गया है। विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है करके आता है क्वेश्चन, तो खजुराहो में, यानी विश्वनाथ मंदिर जो परीक्षा में पूछा गया है वो खजुराहो में है, वो याद रखिए आप। एक सागरा मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है उमरिया में, सागरा मंदिर प्राचीन शिव मंदिर है। सीतामणि मंदिर, ये माड़ी स्थान पर है और ये प्रतिहार काल का है। आगे देखते हैं, ये उमरिया में हर्रा से भिलाला निकाला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, उमरिया में हर्रा से भिलाला निकाला जाता है। और एक और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उमरिया से, ताला नामक प्रयागैतिहासिक स्थल उमरिया में, ये इंपॉर्टेंट है, ताला नामक प्रयागैतिहासिक स्थल उमरिया। आगे देखते हैं, ग्राम सरोवर योजना के तहत सर्वाधिक तालाब का निर्माण उमरिया ज़िले में हुआ था, यानी 800 तालाब बनाए गए थे एक साल में, और इसको जो है लिम्का बुक में भी दर्ज है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। आगे देखते हैं, उमरिया पर, ये थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं, उमरिया पर सबसे पहले लोधी राजपूत का राज था, उसके ही परिवार के लोगों ने प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया था, ये आ भी सकता है, अभी तक के पूछा नहीं गया पेपर में, लेकिन आ सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए आप, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वो मध्य प्रदेश के कई जिलों में है, जैसे कि मंदसौर में है, भोपाल में है, ओरछा में है, तो ये मंदसौर, भोपाल और ओरछा, ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे गए हैं ओरछा वाले, बाकी याला लक्ष्मी नारायण मंदिर उमरिया वाला अभी तक पेपर में नहीं आया है। आगे देखते हैं, लोधी राजपूतों ने यहाँ पर हाथी दरवाज़ा भी बनवाया था, याद रखिए हाथी दरवाज़ा, ये भी अभी तक परीक्षा में पूछा नहीं गया, बाकी आ सकता है। और हाथी महल कहाँ पर अगर के पूछा, तो हाथी महल है मांडू में, मांडू धार पर, धार में, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया, बाकी आला अभी तक आया नहीं है। आगे देखते हैं, रीवा के बघेल राजपूत शासकों ने उमरिया को जीत लिया था, यानी बाद में जो है रीवा के बघेल राजपूत राजाओं ने उमरिया को जीत लिया था, और कुछ समय के लिए उमरिया रीवा रियासत की राजधानी भी रहा है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इतिहास। आगे देखते हैं, अब उमरिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उमरिया जो है शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है, शहडोल संभाग के अंतर्गत तीन जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ये तीन ही जिले आते हैं, और बघेलखंड के पठार में आता है उमरिया ज़िला। और इधर की भाषा का भी पूछ सकता है कौन सी बोली जाती है, तो इधर बघेली बोली बोली जाती है। तो उमरिया से इतने ही क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, जहाँ से परीक्षा में आने के चांसेस बन जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।